स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। कहा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाने की तैयारी कर ले। दोनों ही मुख्यमंत्रियों द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए घोटालों की जांच की जा रही है और इन मामलों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा की जा रही कार्रवाई से बौखलाकर ही भाजपा अनर्गल बयानबाजी कर रही है। दंतेवाड़ा उपचुनाव से ही भाजपा लगातार कांग्रेस पर प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करने व बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगा रही है। इसी सचिव मोहन मरकाम का बड़ा बयान, जेल जाने की तैयारी कर ले रमन और जोगी। दोनों पूर्व सीएम का जेल जाना तय है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों के घोटालों की जांच की जा रही है। वहीं बौखलाकर लगा रहे कांग्रेस पर आरोप। चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है और कहा है जेल जाने की तैयारी कर लें रमन और जोगी। दोनों पूर्व सीएम का जेल जाना तय है। दोनों के घोटालों की जांच की जा रही है। साथ ही बौखलाकर लगा रहे हैं कांग्रेस पर आरोप, ऐसा कहना है मोहन मरकाम का। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, और क्या कुछ जानकारी पूरी मिल रही है, आप तो समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो चित्रकूट विधानसभा में चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी पार्टियों आरोप प्रति आरोप का दौर जारी है और जिस तरीके से लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आरोप प्रति आरोप जो लग रहे हैं, जैसे कि पूर्व में जो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे बीजेपी से, जो अजय चंद्राकर जो हैं विधायक हैं, उन्होंने एक आरोप लगाते हुए कहा था कि ये जो कांग्रेस की पार्टी है ये सिर्फ तबादले ही कर रहे हैं, तबादले के अलावा कोई भी अभी तक विकास काम नहीं हुआ है। वहीं पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने लिया है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, उन्होंने कहा है कि जो पूर्व दो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो सलाखों के पीछे जल्द ही जाने वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ पर घोटाले हुए हैं जो लगातार 15 साल जो भाजपा जो सरकार है, ऐसे कोई बड़े बिंदु जो निकल करके सामने आए हो जो एकदम से यहाँ पर आरोप लगाया गया है और कहा है तैयारी कर लें अपनी जेल जाने की? देखिए, जो 15 साल के जो कार्यकाल थे भाजपा के, उसमें जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुई है उसको उजागर करने का यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि वो जो मामले हैं सभी भ्रष्टाचार जितने भी हुए हैं वो सभी को उजागर किया जाएगा। उसके बाद ही सभी मुख्यमंत्री ही नहीं, जितने मंत्री भी हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई यहाँ पर होगी और सभी जेल के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाएं, ये आरोप लगाते हुए जो मोहन मरकाम है उन्होंने कहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। प्रतापगढ़ के